बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कुछ लोग आए हैं, उनका ताल्लुक सलजोक से है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। एलची है क्या? उन्होंने अपना नाम अर्तुरुल बताया मेरे खान। अर्तुरुल सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है। हम सरदार के खून का इंतकाम लेंगे। ये मंगोल ही है। बरके खान ने अर्तुरुल को जो इमदाद भेजी थी उसका क्या हुआ? हमने सब वसूल कर ली। और तुरमताई? हाँ, वो मर गया। तुरमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके खान। इमदाद चली गई, तुरमताई का कुछ भी नहीं मालूम हमें। हलाकू खान के आदमियों ने थोड़ा सा जलवा दिखाया और उनकी हर शय बर्बाद हो गई। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल सरदार उतने मजबूत नहीं जितना हम उन्हें समझते थे। तलवारें फेंक दो और गिरफ्तारी दे दो। हम क्यों गिरफ्तारी दें तुम्हें? क्योंकि ये आदमी एक मंगोल है। मदद एक मामा है। जासूस शहीद हो गया तो आपने यहां आने की जुर्रत कैसे की अर्तुरुल सरदार? अगर तन्हाई में बात करना मुमकिन है तो वो मालूमात फराहम करूंगा मैं, क्योंकि इन मालूमात का ताल्लुक आपकी जात से भी है। तुम उन आदमियों में से हो जो बरके खान के करीब तरीन है, तो फिर हायल क्यों हो रहे हो अपने खान और रियासत के मफाद के हक में बताई जाने वाली मालूमात की राह में? मैं हायल नहीं हो रहा बल्कि अपने खान का कीमती वक्त बचाना चाहता हूं आपसे। खामोश हो जाओ। हलाकू खान के आदमियों तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात कोई आम मालूमात हरगिज नहीं, वो सारी बहुत अहम और हमारे राजों पर मुश्तमिल मालूमात है। यही सबब है कि वो गद्दार आपके आम आदमियों में से हरगिज नहीं हो सकता। क्यात? अब ये मत कहिएगा कि गद्दार वही है, क्योंकि वो रियासत का एक आम तरीन वजीर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कयाद गद्दार साबित नहीं हुआ तो आपका सर कलम कर दूंगा मैं। कबूल है। सिपाही दोस्त के पास भेज दिए हैं, उम्मीद है वो हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। फिक्र मत करें ताशकुन साहब, मैं गद्दारों के साथ काम नहीं करती। वो अपने दोस्तों के साथ वफादारी निभाने वाले लोग हैं, और फिर वो इस मदद के एवज हमें इसकी पूरी कीमत भी अदा करने को तैयार है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी शादी में सोना बांटेंगे। अरे
क्या हो गया? ये नकारा क्यों बज रहा है? ये आवाज सुन रहे हैं? लगता है कि हमारे सोने की वसूली का वक्त आ गया है ताशकुन साहब। अरे ये तो इनके खातून है, देखो किसी को पकड़ कर ला रही है। ये सब क्या है सिरमा खातून? कौन है ये आदमी? हमारे सिपाहियों को क्यों बांधा है? सरदारी के मनसब पर बैठे हुए हो, लेकिन अपने ही लोगों से बेखबर हो। ये गद्दार है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या गद्दारी की है इन्होंने? अनजान बनने की कोशिश मत करें ताशकुन साहब। आज हर चीज सबके सामने आश्कार हो जाएगी। इतनी जुर्रत और जसारत कहां से आई? उमरोलार कबीले के सरदार से बात कर रही हो, ये मत भूलना। जुर्रत और जसारत अभी तुम्हें मालूम हो जाएगी सिरमा। तमाम सरदारान औताक में आइए। इन तीनों को भी अंदर ले आओ। तुम्हारी साजिशों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। सुना तुमने, बिलबिल के खातून हमारे सरदार से किस तरह से बात कर रही है? कोई ना कोई तो बात है, वरना इन बिल के खातून कभी भी सरदार से इस तरह से बात नहीं कर सकते। माफ नहीं करिएगा, कलम कर दे। तुम्हारे साथियों के बारे में अभी मालूम हो जाएगा। चलो चलो। की लानत हो, हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कोई हक नहीं, को जंग के खाक होना चाहिए। ऐसी कौन सी खास मालूमात है जो आपने हमसे छुपाई अर्तुरुल सरदार? बरके खान को जो मालूमात फराहम की है मैंने, अगर तुम्हें बता दी तो वो खास नहीं रहेंगी। हाँ
चलो सिपाहियों। मेरे खान, अर्तुरुल साहब ने आपको क्या बताया? एक बार फिर हमसे माजरत की उसने और कहा कि गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है। क्या यह बताया कि गद्दार कौन है मेरे खान? ये उसे नहीं मालूम था। लेकिन अनातोलिया जाने के बाद वो साबित कर देगा, और वो भी सबूत के साथ, क्योंकि वो अनकरीब पकड़ने वाला है एक मंगोल को जो गद्दार से वाकिफ है। यानी उनके अनातोलिया जाने के बाद वो गद्दार सामने आ जाएगा हमारे, तो उनके लिए एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दे देता हूं मैं, ताकि वो जल्द अनातोलिया पहुंचे और गद्दार का नाम जान जाए। हम वो बंदरगाह से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इस रास्ते से आने वाले जासूस की हिफाजत में नाकाम रहे थे, लेकिन हम उनकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे। उनका जहाज बंदरगाह से नहीं बल्कि मशरिकी साहिल से जाएगा, और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसा आपका हुक्म। इन नकल उतारने वाले परिंदों का काम हमारे बीच मौजूद गद्दार करते हैं, भटका देते हैं, हदफ तब्दील कर देते हैं और शिकारी का शिकार कर लेते हैं। वक्त आ गया है गद्दारों के सर कलम कर दिए जाए। हमें उताक में क्यों बुलाया गया है? आखिर बात क्या है बताइए। ये मलून हमें बताएगा कि क्या होता रहा है। जल्दी बताओ, क्या करते फिर रहे थे तुम? मुस्कुराने के लिए नहीं कहा तुम्हें? बताओ जल्दी। मुझे कुछ नहीं मालूम, और ना ही किसी को जानता हूं कबीले में। तो फिर सिरमा खातून से बात क्यों कर रहे थे तुम? भिखारी के भेस में कबीले क्यों आए थे? मेरा मकसद बेबुलात सरदार की मौत का इंतकाम लेना है। तुम उम्र उलार के सिपाही भी नहीं, क्या मकसद था? सिपाही क्यों मांगे थे तुमने सिरमा खातून से? और इसके बदले में इनसे क्या वादा किया था तुमने? तुम जवाब दो सिरमा, इस मदद के बदले तुम्हें क्या मिलने वाला था? बताओ कौन है ये आदमी?
ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा नुमाइंदा सरदार नहीं बन सका। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं इसे जानती हूं। तो तुम इसे नहीं जानती तो फिर तुम बेबुलाद भाई की कब्र के पास इस शख्स से मुलाकात करने क्यों गई थी? सिपाही क्यों भेजे थे तुमने इसकी मदद के लिए? इसने कुछ नहीं दिया मुझे। सिपाही चाहिए थे ताकि बरके खान का भेजा हुआ सोना चोरी कर सको। हाँ, क्या वादा किया था बताओ? बताते हो या गर्दन तोड़ दूं? हमने सिरमा खातून से वादा किया था कि हम सोना देंगे। ताशकुन साहब से भी मुलाकात की थी तुमने? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इससे। जान ले लूंगा मैं इसकी। जरा रुको ताशकुन साहब, पीछे हटो। बचाने के बजाय मारना चाहते हो मुझे? तो फिर सब कुछ बताता हूं मैं। हम लोगों ने इन्हें बहुत सारा सोना दिया था। सिरमा खातून को कुछ सोना पहले भी दिया था। ये और सिरमा खातून दोनों मिले हुए हैं और आज ये आदमी हमारे ही दिए गए सोने की वजह से सरदार बना हुआ है। झूठ इल्जाम है ये। मुझे सरदारी से हटाने की साजिश की जा रही है। क्या हुआ क्यात? अर्तुरुल की मुलाकात हुई बरके खान से? हुई थी। इत्तेहाद टूट गया। आखिरकार हमारी ख्वाहिश पूरी हुई। लेकिन एक खतरनाक बात भी है हमारे लिए अरिकपुका। क्या हुआ? अर्तुरुल ने बरके खान से कहा है कि उसके करीब एक गद्दार मौजूद है। क्या उसने तुम्हारा नाम बताया है? नहीं बताया, लेकिन अनातोलिया जाने के बाद वो उन्हें सब कुछ बताएगा और वो भी दलील और सबूत के साथ। वो किसी को पकड़ने वाला है जो गद्दार के नाम से वाकिफ है। अगर तुम्हारा नाम ना दे सके तो परेशानी की कोई बात नहीं। उसे मार डालो यहां से जाने से पहले ही। सिपाही मैं दूंगा तुम्हें मदद के लिए। मैं तो पहले ही यहां अर्तुरुल को मारने के लिए आया हूं। अनातोलिया जाने का इंतजार नहीं करूंगा। उसे यहां मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। बंदरगाह पर जाल बिछाऊंगा उसके लिए मैं। वो बंदरगाह से वापस नहीं जा रहा। रास्ते में हिफाजत की खातिर वो खुफिया तरीके से मशरिकी साहिल से जाएगा। मशरिक की तरफ जाने वाले रास्ते में उसे मारना होगा अरिकपुका। रास्ते की तफसील बताओ मुझे क्यात। हर चीज आश्कार हो चुकी है। तुमने अपना जमीर इनके हाथों बेच डाला। अब ये बताओ कि उस सोने की मदद से तुमने किस किस को खरीदा था? एक बार सवाल करूंगी और एक ही बार में जवाब चाहिए। बताइए सरदारान,
सिरमा खातून और ताशकुन साहब ने सोना दिया था तुम्हें हिमायत के लिए। मैंने यह सोना कबीले की भलाई की खातिर लिया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि इन दोनों का ताल्लुक मंगोलों से है। शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दें। तुम लोग गद्दार हो। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ ताशकुन साहब, तख्त चला गया, सजा के लिए तैयार हो जाओ। खत्म करो अब इस तमाशे को। मैं हूं इस कबीले का सरदार, कोई नहीं हटा सकता मुझे। अपनी हैसियत से बड़ी जसारत कर दी तुमने, अब अपने ही खून में नहाओगे तुम। चाहे जहां भी चले जाओ, खुद को मेरे गजब से नहीं बचा सकते। तुम्हारे लिए पूरे जहान को जहन्नुम बना दूंगा। असल में तो तुम जहन्नुम में गिर चुके हो, तुम राख हो जाओगे हर एक बुखार। अब मैं हुक्म दूंगी, आज अरबी से उमूर उलार कबीले के सरदार बत्ताल साहब होंगे। तशरीफ रखिए बत्ताल साहब।
आज जिन लोगों ने अपने सरदार को बेच दिया, कल वो अपने शर्फ और अपने वकार को बेच देंगे। इस औताक में आपकी कोई जगह नहीं। आज से उमूरुलार कबीले के लोग इज्जत से जिएंगे। और तुम भी सुन लो सिरमा, अपने खेमे से बाहर नहीं निकलोगी। अब तुमसे कौन तावुन करता है देखती हूं। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हारी सजा का फैसला तफसीलात जानने के बाद करूंगी। लाश भी नहीं पहुंच पाएगी अनातोलिया। बरके खान को उस जासूस का नाम कभी नहीं बता सकोगे। अर्तुरुल सरदार को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ये जाल बिछाकर उस गद्दार का नाम खुद जाहिर कर दिया है। आप हमें खुफिया बंदरगाह से वापस जाने का हुक्म देंगे और इस बात की खबर सिर्फ कियात को होगी। अगर हमारे लिए जाल बिछाया गया तो कियात का गद्दार होना आश्कार हो जाएगा। फिर हम उसकी जबान खुलवाने के बाद जान जाएंगे सब कुछ।
मक्कियात, वो तबरेज में बैठा शैतान तुम्हारी खबर के इंतजार में है। इस जहान के लिए दो ही हुक्मरान काफी हैं बरके खान। हलाकू खान के पास तुम सबके सर तो वतन भेजे जाएंगे। जब हवा में धुन छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुन छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास, अब तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हारे खान को तोहफा भेजूंगा मैं। मुझे बताए बगैर आ गए, अंदाजा हो गया था कि कोई खास बात है, इसीलिए बहुत जल्दी मैं निकले बरके खान, और अंदाजा दुरुस्त निकला। कौन किसकी खाल उतारेगा ये वक्त बताएगा। तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब मेरी बारी है। जल्दी इसके पीछे जाओ। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा बरके खान, और मैं अच्छी तरह जानता हूं ये किस तरह करना है। सिरमा खातून का हुक्म है ये तुम्हें, खोलो मेरे हाथ। जब ये दस्तावेजात हलाकू खान के हाथ में जाएंगी तो तुम, अर्तुरुल और सारा आलम इस्लाम तबाह हो जाएगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो मेरे औताक में आया था। उन्होंने कहा था कि आपने हुक्म दिया है उन्हें, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया। इंतकाम की आग रिश्ते भी जला देती है। पहले तुम, उसके बाद अर्तुरुल। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बरके खान की अहम तरीन खुफिया मालूमात है मेरे पास, इससे हम उनके मंसूबे अभी भी तबाह कर सकते हैं।